बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सीनियर कैंपस। दिस इज़ मी उरूज सहर। सब्जेक्ट इस्लामियात। आज की अच्छी बात, दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। हमारे जो दिल है ना, इनका सुकून, हम अक्सर बेचैन हो जाते हैं ना, तो हमारे जो दिलों को सुकून मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिलता है। जुम्मा मुबारक। अपनी इस्लामियात की बुक्स ओपन करें, क्लास 6। हमारा आज का टॉपिक है ईमानियात और इबादात में अल्लाह ताला पर ईमान, पेज नंबर 7। मैंने आपको कल ये पढ़ाया था, इसलिए मैंने अभी आपसे क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज़ आंसर दें। एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है या नहीं? कौन आंसर करेगा बेटा? हाथ उठाएं। अगर आप हाथ नहीं उठाते फिर मैं किसी एक को भी अनम्यूट करके पूछ लूँगी। एक मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है या नहीं? इतना इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आप आंसर नहीं कर सकते? जी अनम सेठी, अनम्यूट योर माइक प्लीज। अनम अनम, आप मुझे सुन रही हैं? जी हमना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, एक मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। एक मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है या नहीं? हारिस प्लीज़ आंसर मी। हारिस अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा एक मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है या नहीं? यस। जी ईमान लाना ज़रूरी है, ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। हसन जाहिद जी, आप बताएं तौहीद के लघवी मायने क्या हैं? तौहीद के लघवी मायने के अल्लाह ताला की इताअत करना और हज़रत मुहम्मद सल्लम की इताअत करना है। नो बेटा, तौहीद, तौहीद के लघवी मायने क्या हैं? जी जी तौहीद, क्या कहते हैं जी मुइज, आप बताएं तौहीद के लुग़वी मायने क्या है? मुइज आर यू लिसनिंग मी? प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। मोइज
मुइज़ जी सोहेल आप मुझे आंसर करें, तौहीद के लुग़वी मायनी क्या है? और जिस जिसको वॉइस मेरी नहीं आ रही बेटा, वहाँ नेट इशू होगा आप लोग की तरफ। आप अल्लाह को एक मानना, गुड। अल्लाह को एक मानना तौहीद के मतलब क्या, तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में भी एक मानना और सिफात में भी एक मानना, कि जो कुछ अल्लाह ताला कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ही एक है और इबादत के लायक है। और ये सब तालीम हमें किसने दी है, ये इन सब बातों का हमें पता कैसे चला है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, पेज नंबर 8, अकीदे तौहीद के बुनियादी उसूल। अकीदे तौहीद के बुनियादी उसूल क्या हैं? अकीदा क्या किसे कहते हैं? अकीदा यकीन को कहते हैं। तौहीद पर जो यकीन है, ईमान है, उसके बुनियादी उसूल क्या हैं? सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक मानना, लेकिन कैसे एक मानना, इसके बुनियादी उसूल आपको बताए जाते हैं। अकीदा तौहीद के चंद बुनियादी उसूल हैं, जिनमें से कुछ दर्ज ज़ेल हैं। अल्लाह ताला एक है, इस जैसा और कोई नहीं, ना कोई इसका बाप है और ना ही कोई इसका बेटा और ना कोई इसका हमसर। ये उसूल सूरतुल इखलास में बयान किए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। अल्लाह एक है, ये तो हमें पता है। दूसरा क्या है? अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज मतलब उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ना किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, मतलब अल्लाह ताला से आगे भी कोई नहीं था और अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की यानी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसका कोई हमसर नहीं, मतलब उस जैसा कोई नहीं है, ना ही ज़ात में ना ही सिफात में। ज़ात में मतलब जैसे अल्लाह ताला है, अल्लाह एक ही है और कोई अल्लाह नहीं है, और सिफात में यूँ कि जैसे जो कुछ अल्लाह ताला कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी और को इसका हिस्सादार ठहराया जाए। शिर्क क्या होता है? अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना हो या सिफात में किसी को शरीक करना हो, तो वो क्या कहलाता है? शिर्क। और शिर्क को अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ फरमाया है कि शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला कयामत के दिन हर गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं। हाँ, दुनिया में अगर आप लोगों में से किसी से कोई शिर्क हो जाता है, लेकिन फिर उसको समझ आ जाती है कि मैंने गुनाह किया है, और वो उससे माफ़ी मांगता है, उस बात की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला वो गुनाह तो माफ़ कर देता है। जैसे कि एक गैर मुस्लिम होता है जो बुतों की पूजा करते हैं, किसी और चीज़ की, सूरज की पूजा करते हैं या किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ही ठहरा रहे होते हैं ना। लेकिन जब वो मुसलमान होते हैं, दार इस्लाम में दाखिल होते हैं, तब वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनका वो शिर्क का गुनाह भी माफ़ कर देता है। लेकिन अगर इसी हालत में इंसान को मौत आ जाए कि वो अल्लाह ताला से शिर्क करता हो, किसी किस्म का भी शिर्क, चाहे वो उसकी ज़ात में कर रहा है या सिफात में, मतलब ज़ात में यूँ कि अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह के अलावा और भी कोई खुदा है नऊज़ बिल्ला,
या सिफात में कि जो कुछ अल्लाह ताला कर सकता है, अल्लाह ताला राज़िक है, वो हमें रिज्क देता है, अल्लाह ताला खालिक है, इंसानों को बनाने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, ये अगर कोई और भी कर सकता है, अगर हम यूँ समझें तो हमने उसकी सिफात में शिर्क किया और हमें इसी हालत में मौत आ जाए कि हम शिर्क कर रहे हैं, तो हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी, फिर हमें हमें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और उसी के सामने सर झुकाया जाए। ये सर जो अल्लाह ताला ने बनाया है, ये किसी और के सामने झुकना भी नहीं चाहिए। हम इज़्ज़त के लिए लोगों के सामने झुकाते हैं, लेकिन ये भी ठीक बात नहीं है। इसको अल्लाह ताला ने झुकने के लिए बनाया है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के आगे, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के आगे ही झुकने के लिए बना है, ना कि इंसानों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हम किसी भी चीज़ को लेते, एक बात ये कि हमें ये भी हुक्म नहीं है कि हम कुरान पाक पढ़ा हो किसी टेबल पर, या क्या हम झुक कर उसको उसका बोसा ले, कुरान पाक को हम चूमें, ये भी ठीक बात नहीं है। हम कुरान को हाथ में उठाएं और हाथ में रख के उसको अपने होंठों के करीब लाएं, क्योंकि अगर हम टेबल पर रखो या किसी चीज़ पर रखो और हम उसको झुक कर उसको उसका बोसा लें, तो हमने कुरान पाक के आगे भी सर झुकाया ना। कुरान पाक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी किताब है हमारे लिए, मुकद्दस किताब है, लेकिन उसके आगे भी तो झुकना नहीं है ना। अल्लाह के बाद जो दूसरी हस्ती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जब उनके सामने झुकने से मना किया गया है, उनके सामने कोई नहीं झुकता था, तो क्या हम किसी और चीज़ के सामने झुक सकते हैं, सर को हम झुका सकते हैं? नहीं झुका सकते, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये गुनाह भी आता है और शिर्क में भी आता है कि ये झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। जैसे हम सजदा करते हैं, हम किसी और को सजदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम सजदा। सजदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही जायज़ है। सिर्फ इसी पर भरोसा किया जाए और हर मुश्किल में इसी को पुकारा जाए। हमें हर मुश्किल में, जब मुश्किल हम पर आती है और उस मुश्किल में हमारा ख्याल सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ जाता है, तो अल्लाह ताला हमें उसी चीज़ के हवाले कर देता है कि तुम्हारा सबसे पहला ख्याल किस चीज़ की तरफ गया। अगर हमारी मुश्किल हम पर आए और हम सोचे कि या अल्लाह तू हमारी मदद कर, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। वैसे भी अल्लाह ताला मदद करता है हमारी, लेकिन इस बात में हमारा पता चल जाता है कि हम अपनी मुश्किल में किस को इलाह मानते हैं, माबूद मानते हैं, अपनी मुश्किल का हल करने वाला मानते हैं। हमारी मुश्किलात कौन हल करता है, हमें परेशानियों से कौन निकालता है? अगर इस टाइम पर हम कुछ और सोचें कि हम किसी और से राबता करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी मुश्किल हल हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला को पुकारे तो ज़रूर वो मुश्किल भी हल हो जाती है और हमारा जो अल्लाह पर यकीन और भरोसा है वो भी पक्का हो जाता है और हम शिर्क के ज़मरे में नहीं आते, क्योंकि सिर्फ़ वही हमारी हाजतों को पूरा करता है और तमाम मुश्किलात को दूर करता है। इसलिए हम हर नमाज में बार बार पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की जो ये एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा नंबर 4, तर्जुमा, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की करते हैं, इसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, और मदद भी हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, किसी और से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि कोई और हमारी मदद भी नहीं कर सकता। हाँ, हमारे सामने कोई और हो, जैसे हमें अब हमारे सामने कोई हो और हो और हमें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम कह सकते हैं कि आओ ज़रा हमारी इस बात में हेल्प करो, यानी कोई चीज़ उठानी हो, कुछ रखना हो, इस तरह, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हम किसी मुश्किल में और हम बोलें कि ये मेरी मदद कर देगा, वो मदद कर देगा, ये गलत बात है। हमें इस मुश्किलों से निकालने वाला ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और कोई नहीं है। और वैसे आप लोग को समझ आ भी रही है कि नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
समझ आ रही है आपको? अकीदे तौहीद के असरात। वैसे मैं आपसे पिछला पहले क्वेश्चन फिर कर लूँ एक बार, रिकैप कर लेते हैं इसको। अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान लाना इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। इसके अलावा एक मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है? कि इस बात पर कामिल यकीन रखना कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, खालिक बनाने वाला और मालिक मालिक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा अल्लाह ताला। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है, और अल्लाह ताला पर ईमान लाना इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। अगला है तौहीद। तौहीद क्या चीज़ है? तौहीद के लुग़वी मायनी है एक मानना, यकता जानना। और दीन के इस्तिलाह में इसके मायनी है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात में एक है, इसका कोई शरीक नहीं। तौहीद की दलील हमें कैसे मिलती है? जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसको कोई बनाने वाला है। तो इस तरह जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सारी कायनात बनाई, कायनात को तो छोड़ें, ये हम जो अपने आप को देखते हैं, हम क्या खुद ब खुद बन गए हैं? हम जो रोज़ के रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, क्या हम खुद कर रहे हैं? एक दिन हमें मौत आ जाएगी, क्या हम खुद ब खुद ऐसा कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा ऐसा खुद ब खुद, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है। कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस कायनात को बनाने वाली कोई एक ज़ात है, और वो ही वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई और नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर अल्लाह के अलावा कायनात में और भी खुदा होते, माबूद होते, तो क्या कायनात का निज़ाम चल पाता? बिल्कुल भी नहीं चल पाता, बल्कि दरहम बरहम हो जाता। हम एक को खुश करते दूसरा खफा हो जाता, दूसरे को खुश करते तीसरा खफा हो जाता, और वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, तो क्या कायनात चल सकती? कभी नहीं चल सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह ताला है जो चला रहा है सारे निज़ाम को, और ठीक तरीके से चला रहा है। हमें कहीं किसी निज़ाम में कमी बेशी नज़र आई है? कभी हमें यूँ लगा है कि आज रात देर हो गई है, सुबह नहीं हो रही, या आसमान में कोई ख़राबी है, या सूरज में, या चाँद में, या ज़मीन में? ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, और दूसरी जो निज़ाम चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। पूरी की पूरी कायनात का इलाह माबूद। इलाह का क्या मानी है? माबूद। माबूद कौन है? अल्लाह ही है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? अकीदे तौहीद के बुनियादी उसूल। अकीदे तौहीद के बुनियादी उसूल क्या हैं? कि अल्लाह ताला को हम एक मानें, उसकी ज़ात में सिफात में कोई शरीक ना ठहराएं, क्योंकि अल्लाह ताला का ना कोई हमसर है, ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है, और अल्लाह ताला बेनियाज है, हर चीज़ से बेनियाज है। ना उसको किसी की मदद की ज़रूरत है, ना उसको खाने पीने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ़ एक इंसान को होती है, और वो पूरी करने और उसकी ज़रूरत पूरी करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा? अल्लाह ताला हर शिर्क से पाक है। जो उसकी ज़ात में शिर्क करते हैं या सिफात में, अल्लाह ताला इन सब से पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरह दूसरा कोई खुदा है नहीं। और सिफात में जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो कोई और किसी और में है नहीं। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही अपना इलाह माना जाए, उसी की इबादत की जाए, और ये सर भी अल्लाह ताला के आगे झुकाया जाए। इस सर को भी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला के लिए ही इस्तेमाल करें, झुकने के लिए, ये किसी और के आगे नीचा या झुकाएं नहीं। और अपनी जब हर मुश्किल आती है तो उसमें किसको पुकारा जाए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को हम पुकारें, क्योंकि हमारी हाजतों को पूरा करने वाला वही है, कोई और नहीं है। हमारी मुश्किलात को भी वही दूर करता है। हम हर नमाज में हमें ये आयत क्यों पढ़ने को मिलती है? ए परवरदिगार, हमें सिर्फ पढ़ने को मिल रही है, लेकिन हम उसको समझ कर उस पर अमल करके ही पढ़ें, हम उसको यकीन से पढ़ें, तो इसका फिर हमें बहुत फ़ायदा होगा कि ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं।
ये आयत हम हर रकात में बार बार पढ़ते हैं। अगला है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते चला। सीधा रास्ता कौन है? सिरातल मुस्तकीम कौन सा है? सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, उस पर चलकर ही हमें कामयाबी मिल सकती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं कल आपसे दोबारा क्वेश्चंस करूँगी, सो प्लीज़ इसको घर में एक बार फिर रिवाइज़ कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।